मेलॉन सिटी टोंक। राजस्थान के ईस्टर्न साउथ पार्ट में स्थित टोंक शहर जो प्रसिद्ध है अपने स्वादिष्ट खरबूजों, लाल कलर की शानदार मिर्ची और अबरक जैसे डिमांडेड मिनरल्स के लिए, जो स्थित है पिंक सिटी जयपुर से तकरीबन 100 किलोमीटर साउथ में, वाइट सिटी उदयपुर से 376 किलोमीटर, नेशनल कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली से 354 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से 331 किलोमीटर दूर बसा टोंक शहर राजस्थान के उन पुराने शहरों में से एक है जिसका संबंध महाभारत काल से है। महाभारत के समय में टोंक शहर को सपादलक्ष के नाम से जाना जाता था। उसके बाद में टोंक शहर पर मौर्य, सोलंकी, चौहान, चावंड और सिसोदिया राजपूतों का शासन रहा। टोंक शहर का प्राचीन नाम रेड था, जबकि प्रेजेंट टाइम में टोंक को जाना जाता है नवाबों का शहर, अपने स्वादिष्ट खरबूजों की वजह से खरबूजों का शहर, लखनऊ ऑफ राजस्थान, टाटा नगर ऑफ ओल्ड इंडिया। तो चलिए फ्रेंड्स, टोंक के बारे में जानते हैं हिडन फैक्ट और मोर इन्फॉर्मेशन। नंबर वन, लगभग 7,194 स्क्वायर किलोमीटर में फैला टोंक जिला एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान का 19वां सबसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। इसकी बाउंड्रीज को लॉक करते हैं राजस्थान के टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट, जिसमें नॉर्थ साइड में जयपुर, तो वेस्टर्न में अजमेर, साउथ में भिलवाड़ा, कोटा व बूंदी और ईस्टर्न साइड में सवाई माधेपुर। वही अगर टोंक डिस्ट्रिक्ट के टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टोंक डिस्ट्रिक्ट की टोटल पॉपुलेशन है 14,21,326, जो टोंक डिस्ट्रिक्ट को बनाती है क्वीन सिटी करौली के बाद राजस्थान का 23वां सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट। यहाँ की 87% आबादी हिंदू रिलीजन की है, जबकि 12% मुस्लिम और 1% अदर रिलीजन के हैं। नंबर टू, फ्रेंड्स अगर बात टोंक के फाउंडेड की करें तो टोंक की स्थापना की गई थी राजा मानसिंह द्वारा दिए गए भोला ब्राह्मण के टोटल 12 गांवों को मिलाकर, जबकि वीर विनोद बुक्स के अकॉर्डिंग टोंक की स्थापना राम सिंह के द्वारा की गई थी। नंबर थ्री, टोंक जिले की शान है यहाँ का बिसलपुर बांध, जिसकी ब्यूटी और शानदार कंक्रीट कलाकृति के कारण ये टोंक का दूसरा सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। ये राजस्थान का वह बांध है जो जयपुर और अजमेर जैसी बड़ी सिटी को अपनी वाटर सप्लाई देता है। यकीन कीजिए दोस्तों, इस डैम के 18 गेट खुलने के बाद इसका व्यू इतना ब्यूटीफुल होता है कि इसको देखने वाला हर एक व्यक्ति मंत्रमुग्ध हो जाता है। इसके साथ ही ये राजस्थान का फर्स्ट ऐसा डैम है जहाँ पर आप ब्यूटीफुल कलरिंग फिश को देख सकते हो। नंबर फोर, बिसलपुर बांध की थोड़ी सी दूरी पर स्थित है बिसलपुर मंदिर, जिसे गोकर्णेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो शिवजी को समर्पित एक हिंदू टेम्पल है। इस मंदिर पर बनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और 8 खंभों पर खड़ा हुआ ये मंदिर हर किसी पर्यटन को अपनी ओर आकर्षित करता है। नंबर फिफ्थ, फ्रेंड्स क्या आपको पता है टोंक को यहाँ के मीठे और स्वादिष्ट खरबूजों की वजह से सिटी ऑफ मेलॉन के नाम से जाना जाता है। बिलीव कीजिए दोस्तों, यहाँ के खरबूजे इतने मीठे और स्वादिष्ट होते हैं कि ये आपको राजस्थान की 50 डिग्री वाली गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाते हैं। लेकिन बदलते समय के साथ टोंक के ये खरबूजे अब सिर्फ किस्सों और कहानियों में जिंदा हैं। नंबर सिक्स, जब हम बात टोंक शहर की कर ही रहे हैं तो फिर यहाँ की सुनहरी कोठी को कैसे भूल सकते हैं, जो टोंक के टूरिस्ट का सबसे लाजवाब और ब्यूटीफुल प्लेस है, जो बाहर से दिखने में बिल्कुल सामान्य हवेली की तरह दिखती है, लेकिन अंदर की दीवारों पर की गई गोल्ड की पॉलिश और कांच की वर्क पर दीवारों पर दिखने वाला फूलों की पेंटिंग्स इतने ब्यूटीफुल है कि इसको अपनी सुंदरता के कारण टोंक शहर का गोल्डन मैंसर भी कहा जाता है। नंबर सेवन, टोंक जिले की टोडा रायसिंह शहर में स्थित हाड़ी रानी कुंड प्राकृतिक सौंदर्यता का एक जीता जागता उदाहरण है। इस कुंड का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ की सीढ़िया। इन सीढ़ियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप जिस सीढ़ी से इस पावड़ी के अंदर जाओगे उस सीढ़ी से आप कभी भी वापिस बाहर नहीं आ सकते। बाहर आने के लिए आपको दूसरी सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको बता दें कि इस बावड़ी में शाहरुख खान की पहली फिल्म की शूटिंग हुई थी। इसके साथ ही टोडा रायसिंह शहर आटे की गट्टी, पट्टी और अपनी बावड़ियों के लिए वर्ल्ड फेमस है। नंबर एट, टोंक जिले की लाइफ लाइन कही जाने वाली बनास नदी टोंक जिले में बिल्कुल एक स्नेक की तरह हाफ राउंड में चलती है, जिसको दूर से देखने पर बिल्कुल एक सांप यानी स्नेक की तरह दिखती है। यकीन मानिए दोस्तों, ये एकमात्र ऐसी नदी है जो टोंक जिले को 1/3 भाग में बांटती है। इतना ही नहीं, ये नदी टोंक शहर के बिल्कुल नजदीक से गुजरने के कारण टोंक सिटी की ब्यूटी पर 4 चांद लगा देती है। नंबर एट, फ्रेंड्स क्या आपको पता है टोंक को प्राचीन भारत का टाटा नगर क्यों कहा जाता था? चलिए हम आपको बताते हैं। टोंक जिले की निवाई तहसील में ढील नदी के किनारे रेड नाम की सभ्यता डेवलप हुई थी, जहां पर तकरीबन 3,075 चांदी के सिक्के मिले थे। इसी कारण से टोंक जिले को प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। नंबर 10, टोंक जिले का सबसे अमेजिंग फैक्ट है इसका मैप, जो दिखने में बिल्कुल आपको पतंग के जैसा दिखाई देगा। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, आपको बिलीव नहीं होगा, टोंक जिले का मैप बिल्कुल भारत के सिरमौर मुकुटे जम्मू कश्मीर से हूबहू मिलता जुलता है। नंबर 11,
टोंक जिला राजस्थान के बाकी शहरों की तरह अपने कल्चर के लिए काफी प्रसिद्ध है। टोंक जिले की औरतों की पोशाक घाघरा, चोली और सुंदरी है, जबकि शहरी इलाकों में औरतों की पोशाक साड़ी है, तो वही पुरुषों की पोशाक है धोती और पगड़ी। वही हम दूसरी तरफ अगर बात टोंक जिले के कुछ इम्पोर्टेंट हैंडीक्राफ्ट की करें, तो वो है यहाँ के कपड़े का बैग, सोपीस साड़ियाँ, जूतिया, कुछ लकड़ी के आइटम्स और ज्वेलरी, जो दिखने में काफी सुंदर और मनमोहक होती है, जिनको अगर आप टोंक जाओ तो जरूर खरीदना। और हाँ, यहाँ की लाजवाब टेस्टी कचौरी और पुदीने की चटनी का लुप्त आप जरूर उठाना, क्योंकि इनके बिना हमारा टोंक अधूरा है। नंबर 12, फ्रेंड्स, टोंक के सबसे प्रसिद्ध नमदा उद्योग की तो बात ही कुछ अलग है, जिनके बनाए गए बेल बूटे और खिलौने अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इतना ही नहीं फ्रेंड्स, इस नमदे के द्वारा बनाए गए बैग का इस्तेमाल इंडियन आर्मी भी अपने गोले बारूद रखने के लिए करती है, क्योंकि इन बैग्स में किसी भी तरह का घर्षण मौजूद नहीं होता है, जिससे गोला बारूद के फटने का कोई भी डर नहीं रहता है। नंबर 13, टोंक डिस्ट्रिक्ट एरिया के अकॉर्डिंग छोटा होने से इसमें टोटल एक आरटीओ ही कार्यरत है, जहाँ के व्हीकल्स को रजिस्ट्रेशन किया जाता है RJ-26 से। टोंक सिटी से एक नेशनल हाईवे भी निकलता है, जिसका नाम है NS-12, जो कोटा और भोपाल जैसी बड़ी सिटी को पिंक सिटी जयपुर से जोड़ता है, लेकिन टोंक शहर का रेलवे सिटी बनने का सपना अभी तक अधूरा है। नंबर 14, टोंक राजस्थान का वह शहर है जिसकी मोस्टली इकोनॉमी एग्रीकल्चर और मजदूर मिनरल्स पर टिकी है। वैसे टोंक जिले में बारिश थोड़ी कम होती है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर खेती नदियों और बिस्लपुर डैम के पानी से की जाती है। वही अगर हम बात करें टोंक के मोस्टली क्रॉप यानी फसल की, तो वो है ज्वार, गेहूं, मक्का, कपास, चना और तिलहन, जबकि बात यहाँ के प्रमुख मजदूर मिनरल्स की करें तो वो है अब्रक और बेरिलियम। नंबर 15, दोस्तों, टोंक जिले की सबसे सुंदर और मनमोहक जगह है त्रिवेणिया, जहाँ पर बनास, डाई और खारी रिवर यानी तीन नदियों का संगम होता है। इस इलाके को राजमहल के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर आकर इन नदियों में बोटिंग ड्राइव का भी एंजॉय ले सकते हैं, जो आपको यहाँ आने पर बिल्कुल कश्मीर की फीलिंग देने वाली है। नंबर 16, टोंक जिले में मौजूद अत्यधिक टेम्पल्स को देखकर लगता है कि टोंक भी राजस्थान के बाकी शहरों की तरह आस्था और भक्ति की धरती है, जहाँ पर आपको देवनारायण टेम्पल से लेकर सुप्रसिद्ध गोकर्णेश्वर महादेव के मंदिर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा टोंक जिले में जलदेवी टेम्पल, कल्याण जी टेम्पल और श्याम टेम्पल भी काफी प्रसिद्ध है। नंबर 17, फ्रेंड्स, हमने टोंक डिस्ट्रिक्ट को काफी अच्छी तरीके से कवरअप कर दिया है, तो चलिए अब बात करते हैं टोंक के कुछ इम्पोर्टेंट और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस की, जैसे डैम ऑफ बिसलपुर, सोनरी हवेली, श्री देवनारायण टेम्पल, हाड़ीरानी कुंड, श्री दिग्गी कल्याण जी टेम्पल, बिसलदेव टेम्पल, त्रिवेणिया, हाथीफाटा, शिव टेम्पल, अरबी फारसी अनुसंधान सेंटर के साथ साथ आप राजमहल की त्रिवेणियों की बोटिंग ड्राइव का भी एंजॉय ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल फॉर मोर वीडियोज़।